हरे कृष्णा राधे राधे माधव कृष्ण में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी कॉटन ड्रेस। जैसे कि आपको दिखाई दे रही है बहुत ही प्यारी सी बहुत सुंदर सी ड्रेस है और इसको मैंने लेस के साथ में जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर ये मैंने तिकोने वाली लेस लगाई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये कॉटन का कपड़ा है बहुत ही प्यारा सा हल्का बहुत ही जैसे गर्मियों में पहन सकते हैं ठाकुर जी। तो आज मैं ये वाली ड्रेस आपको बनानी बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। आइए ड्रेस का फाइनल लुक आपको दिखाना चाहूंगी कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत है। ये देखिए इस तरीके से ये समर में पहने और इस तरीके ये दो स्टेप है ये स्टेप जो है फ्रिल वाली है स्टेप फ्रिल वाली है। यहाँ पर भी मैंने गोटा लगाया जो कि तिकोना वाला गोटा है और देखिए बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन की है। तो आइए इसी तरीके की ड्रेस बनानी शुरू करते हैं। आइए ये देखिए मैंने फैब्रिक कट कर लिया जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी बहुत ही प्यारा सा ये फैब्रिक है। इसका प्रिंट भी बहुत सुंदर है और ये रेड कलर के कॉम्बिनेशन में बना हुआ है। तो आइए मैं इसकी आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। तो मेजरमेंट क्या है तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ से जो इसका मेजरमेंट है ये 4.5 इंच का है और यहाँ से जो इसका लिया है ये फोल्डेड पट्टी है। जैसे मैं पहले भी आपको बताती हूँ फोल्डेड पट्टी है तो इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से ये देखिए यानी कि मतलब 20 इंच है और ये इस तरीके से खोलेंगे पूरी करेंगे तो ये 40 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए 40 इंच के इस तरीके से घेरा है। तो इसको स्टिच कैसे करेंगे आइए स्टिच करना शुरू करते हैं। ये इसकी उल्टी साइड है और इसकी सीधी साइड है ये देखिए ये सीधी साइड है। तो हमें उल्टी साइड से स्टार्ट करना है। सिलाई कैसे करनी है ये देखिए एक साइड से सिलाई करनी है कोई भी एक साइड सिलाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें डिज़ाइन बना है तो कोई भी हम डिज़ाइन नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो आइए मैं इसको नीचे रखूँगी ये चीज़ और ये चीज़ ऊपर रखूँगी। तो इसको क्या करना है इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से किनारे से हम फोल्ड करना शुरू करेंगे और इस तरीके से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो आइए सिलाई करना शुरू करते हैं। तो देखिए आपने देखा मैंने किस तरीके से इसको सिलाई किया है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई नीचे भी पक्का कर दिया और इस तरीके से देखिए दोनों साइड से भी यहाँ पर सिलाई कर दी है। अब क्या करना है इसमें हम लगाएंगे गोटा वो जो तिकोने वाला मैंने गोटा दिखाया था आइए उसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ये देखिए इस तरीके ये है लेस जैसे कि गोटे वाली लेस है बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी देखिए। तो इसको हम स्टिच करेंगे आइए इसको कहाँ पर ये देखिए यहाँ पर नीचे घेरे पर रखेंगे और इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने लगा दी ये समोसे वाली लेस। तो लेस लगने के बाद क्या है कि आप देखिए हम यहाँ पे इस पूरी फैब्रिक जो हमने यहाँ पे इसको तैयार किया है इसमें से हम बनाएंगे घेरा। घेरा कैसे बनाएंगे इस तरीके से देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे प्लीट्स तैयार करेंगे। तो आइए प्लीट्स भी तैयार कर लेते हैं। Thank you.
देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसमें प्लीट्स डाल के घेरा तैयार कर लिया। अब क्या करना है, इसमें नेफा स्टिच करना है। तो नेफे के लिए मैं पट्टी कट कर लेती हूँ। तो घेरे के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए पट्टी इस तरीके की, जो नेफे के लिए मैंने इसकी पट्टी को कट कर लिया है। तो इस तरीके से जो मैंने इसकी लेंथ ली है यहाँ पर, इस तरीके से देखिए 7 इंच है, और यहाँ से जो ली है वो 1.5 इंच है, देखिए 1.5 इंच है। इतनी फैब्रिक कट करने के बाद ये हमारे ठाकुर जी की कमर के अकॉर्डिंग होता है। मैंने कितनी बार वीडियोस में बताया, ये हमारे ठाकुर जी की कमर के अकॉर्डिंग होता है। यदि हम इस तरीके से ये जो यहाँ पे नेफा स्टिच करते हैं, ये वेलक्रो वाला बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट, थोड़ा सा मतलब आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो कि एक के ऊपर एक आते तो आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए, मतलब मीन्स थोड़ा थोड़ा ज्यादा साइड, ठीक है। यदि हम इसमें डोरी डालते हैं तो डोरी के लिए भी ज्यादा होगा, तो हम डोरी डाल के इसको खींच के बांध सकते हैं। तो इस तरीके से ये नेफे का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। आइए इसको स्टिच कैसे करेंगे, इस तरीके से रखेंगे, ये प्लेन है, कोई सीधा उल्टा नहीं है, इस तरीके से रखेंगे और साइड से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से छोड़ देंगे। तो इसको इस तरीके से पकड़ के स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने नेफे को स्टिच कर दिया, तो देखने में बहुत ही सुंदर सा प्यारा सी ड्रेस तैयार हो रही है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो डिज़ाइन, जैसे मैंने डिज़ाइन आपको दिखाया था, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस तरीके से ये रेड कलर का फैब्रिक लेते हैं, इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए ये रेड कलर का जो फैब्रिक है, इस तरीके से ये 2 इंच की इस तरीके से इसको पट्टी कट करनी है। तो 2 इंच का पट्टी कट करेंगे, कट करने के बाद इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे 2 इंच की पट्टी को, और फिर यहाँ पे इस तरीके से इसमें फ्रिल्स तैयार करनी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए जो कि मैंने इस तरीके से ये फ्रिल्स तैयार कर ली है, ये 2 इंच की पट्टी फैब्रिक है, इस तरीके से फ्रिल तैयार हो जाएगी। ये फ्रिल तैयार होने के बाद अब मैं यहाँ पर ये देखिए व्हाइट कलर की पट्टी लिए, इस तरीके कट कर लिए, इसको मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से मैंने लिए 7 इंच के, यानी कि ये 2 पट्टी है इस तरीके से, क्योंकि 2 हमें कंधे बनाने हैं यहाँ पर, और इस तरीके से 1.5 इंच की। तो ये मैंने इस तरीके से ये वाली पट्टी कट कर ली है। अब क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से ये जो है इसको हम 2 भागों में कट करेंगे, 2 भागों में कट करेंगे। यहाँ से एक इसकी फ्रिल इसको इसमें से निकाल लेंगे, ये देखिए दोनों बराबर पकड़ने के बाद यहाँ जो सेंटर है इसको यहाँ से हल्का सा निकाल देंगे, जो कि हमें 2 बनानी है इसके। अब इसको हम बराबर नाप लेंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ये हमें 2 पट्टी तैयार करने के लिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से करने के बाद ये जो हमारे व्हाइट कलर के जो हमारे पास मैंने फैब्रिक लिया है, इसको भी हम 2 करेंगे, या फिर इस तरीके से हम पकड़ेंगे और पहले सिलाई करना शुरू करते थे, जहाँ तक एक आएगी वहाँ तक सिलेंगे, फिर दूसरी लगातार इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो आइए देखिए मैं किस तरीके से इसको स्टिच करूँगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पकड़ेंगे इसको, ये हमारी सीधी साइड है, और ये इस वाइट कलर की पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए ये स्टिच कर देते हैं। तो आइए पूरे मैं स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको कट करके अलग कर दिया। अब क्या करना है, जो हमारे पास तिकोने वाली लेस है अब इसको भी हमें इसके ऊपर लगाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारी है, ये चोली का लुक आ जाएगा।
तो देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया था ड्रेस के ऊपर भी मैंने इस वाली लेस को लगाया, तो इसके हम चोली के ऊपर कैसे लगाएंगे ये देखिए, इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इसको बाहर की तरफ भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरीके हम लगा सकते हैं। देखिए मैं इस तरीके से इसको लगाती हूँ, तो ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसलिए इसको स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद ये देखिए दोनों पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब क्या करना है, इन दोनों को ये जो हमारे यहाँ पे इस तरीके से हमने जो ड्रेस बनाई है, ड्रेस के यहाँ पे जो हमें चोली के यहाँ पे बनानी है, चोली कैसे बनाएंगे, इसके सेंटर हमेशा ये ध्यान रखना कि इसका जो सेंटर होता है उसको मार्क कर लेना चाहिए, उससे क्या तो आसानी आ जाती है। ये देखिए इस तरीके से मार्क करने के बाद दोनों को बराबर रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोनों साइड से बराबर पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद यहाँ पर इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पर ये जो सेंटर है इस तरीके से इसको स्टिच कर लेते हैं। आइए पहले स्टिच कर लेती फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट के साथ साथ एक ही सिलाई में मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे भी लेस लगा दी है। तो ये देखिए इस तरीके से ड्रेस हो गई, यहाँ पे सिलाई करके कंप्लीट, और साथ में मैंने लगा दी वेलक्रो ही। तो इस तरीके से वेलक्रो डोरी भी डाल सकते हैं, वेलक्रो भी लगा सकते हैं, आपको जो उचित लगे आप वही कर सकते हो। तो देखिए ड्रेस बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी हमारे ठाकुर जी की बनकर तैयार हो गया। ये हमारी स्टेप वाली ड्रेस है, तो इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये मैंने ड्रेस आपको दिखाई, देखिए इसी की जो स्टार्टिंग मैंने ड्रेस दिखाई थी, ये देखिए इस तरीके से ये ड्रेस है, ये पीछे वेलक्रो है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर वेलक्रो लग जाती है हमारे ठाकुर जी, इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए स्टेप आ जाती है दोनों। ये देखिए हमारे ठाकुर जी की प्यारी सी ड्रेस, ड्रेस तो बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारी सी है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ड्रेस आपको कैसी लगी। मैं आशा करती हूँ मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।